नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह गीला स्वागत करता हूं आपका डागुर ऐप पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, और जिसमें अपन ने बात की पिछली कक्षाओं में प्रधानमंत्री को बेहद डिटेल में अपने आर्टिकल वाइज पढ़ा और उसके बाद प्रमुख प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा की। आज दोस्तों अपन बात करेंगे भारत के एक और प्रधानमंत्री के बारे में, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिंह राव। 1996 में चुनाव हुए और देश के प्रधानमंत्री बने एक महान कवि, एक महान वक्ता, जिन्होंने हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, उसको पूरे विश्व समुदाय में जिसका परिचय करवाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और देश के एक बेहतरीन प्रधानमंत्री रहे दिवंगत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों प्रधानमंत्री बने 1996 में, 1996 में। एक बेहतरीन फोटो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वही अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे तो हिंदी में भाषण दिया था यूएनओ में विदेश मंत्री होने के तौर पर। यही अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने भारतीय संसद के जो तीन संयुक्त अधिवेशन हुए 1961, 1978 और 2002, तीनों संयुक्त अधिवेशन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र सांसद अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में अगर अपन बात करें और इस कार्यकाल की अगर अपन बात करें तो देश के केवल 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, इनकी सरकार गिर गई। गठबंधन की सरकार थी और गठबंधन की सरकार में हमेशा हितों का टकराव होता है, और देश के अब तक के सबसे कम अवधि के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। फिर दोस्तों अगले प्रधानमंत्री बने HD देवेगौड़ा। HD देवेगौड़ा देश के अगले प्रधानमंत्री बने, ये भी लगभग 12 महीने देश के प्रधानमंत्री रहे 1996 से लेकर 1997 तक। HD देवेगौड़ा के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो ये राज्यसभा सदस्य के रूप में, और एक और महत्वपूर्ण बात, जब ये प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त ना राज्यसभा के सदस्य थे और ना ही लोकसभा के सदस्य थे, ये कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। बाद में जाकर उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की। तो राज्यसभा सदस्य के रूप में देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे HD देवेगौड़ा। अब HD देवेगौड़ा 1996 से लेकर 1997 तक रहे देश के प्रधानमंत्री, इनकी भी सरकार गिर गई। दोस्तों अगले प्रधानमंत्री बनते हैं इन्हीं की सरकार के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल, IK गुजराल। ये भी दोस्तों राज्यसभा के सदस्य के रूप में देश के प्रधानमंत्री बने, राज्यसभा सदस्य के रूप में। इनके कार्यकाल के संदर्भ में एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इंद्र कुमार गुजराल HD देवेगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री रहे, जब ये विदेश मंत्री थे तो उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने के लिए एक सिद्धांत लागू किया जिसे गुजराल सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों UPSC से लेकर के तमाम जो छोटे लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उन सब एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि गुजराल सिद्धांत का संबंध है पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने से, और पूर्व की ओर देखो नीति क्या है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करना। उसी लुक ईस्ट पॉलिसी को आगे जाकर फिर नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा दोस्तों एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया गया कि पूर्व की ओर देखने से काम नहीं चलने वाला है, वहां पर जाके काम भी कीजिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया गया। बहरहाल अपन बात करें इंद्र कुमार गुजराल को लेकर, और इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किया, गुजराल इंद्र कुमार गुजराल, तो गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। और गुजराल सिद्धांत दोस्तों किससे संबंधित था, पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने से संबंधित जो सिद्धांत था वह गुजराल सिद्धांत कहलाता है। गुजराल साहब भी लगभग एक साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, और दोस्तों वापस देश के प्रधानमंत्री बने जो केवल 13 दिन के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी अब की बार प्रधानमंत्री बने 13 महीने के लिए, पहली बार 13 दिन के लिए, दूसरी बार 13 महीने के लिए 1998 से लेकर 1999 तक।
दोस्तों इस कार्यकाल के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, बेहद प्रभावी कार्यकाल रहा अटल बिहारी वाजपेयी का, और प्रभावी इस वजह से भी रहा कि हिंदुस्तान का जो पहला परमाणु परीक्षण है उसे जो आलोचक हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो उसे कहते हैं कि वो एक सफल परीक्षण नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ही हमारे देश के एक महान साइंटिस्ट जो आगे जाकर देश के राष्ट्रपति भी रहे, जी हां मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के सहयोग, उनके निर्देशन और इनके नेतृत्व में भारत ने वो इतिहास रच दिया जिसके चलते पूरा विश्व समुदाय को यह पता लग गया कि हां हिंदुस्तान भी एक बहुत ताकतवर, एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभर रहा है। ना केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सैन्य दृष्टिकोण से भारत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शक्तिशाली देश है। 11 व 13 मई1998 को 5 परमाणु परीक्षण किए गए, 5 परमाणु विस्फोट, 5 परमाणु परीक्षण, पूरा विश्व समुदाय हिल गया। लगातार संयुक्त राज्य अमेरिका की जो एजेंसियां थी वो नजर रखे हुए थी कि इंडिया कुछ कर तो नहीं रहा है, और संयुक्त राज्य अमेरिका की आंखों में धूल झोंकते हुए माननीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब और अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इस परमाणु परीक्षण को फाइनली अंजाम दे दिया गया 11 व 13 मई 1998 को। दोस्तों इसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया इसे। कुछ लोगों ने कहा कि बुद्ध फिर मुस्कुराए, बुद्ध फिर मुस्कुराए। पहली बार कब मुस्कुराए थे? तो 1974 में मुस्कुराए थे 18 मई को, और अब की बार मुस्कुराए 11 व 13 मई को, जब राजस्थान के जैसलमेर के पोकरण के खातोलाई रेंज में, याद रखिएगा दोस्तों रेंज कौन सी थी, खातोलाई रेंज, खातोलाई रेंज पोकरण में जब 11 व 13 मई 1998 को 5 परमाणु परीक्षण किए गए भारत के द्वारा, जिसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया, बुद्ध फिर मुस्कुराए नाम दिया गया। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों उसी 25 दिसंबर को पूरा विश्व समुदाय क्रिसमस डे भी मनाता है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में 2015 से इनका जो जन्म दिवस है वो भारतीय सुशासन दिवस, इंडियन गुड गवर्नेंस डे, भारतीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ किया। 2015 में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों देश के सर्वोच्च अलंकरण, देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया अटल बिहारी वाजपेयी जी को। 25 दिसंबर को इनका जन्मदिन जो भारतीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आगे की कहानी को लेकर बात करते हैं अपन। 1999 में फिर चुनाव होते हैं, और चुनाव का परिणाम तो दोस्तों शायद पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछला जो कार्यकाल रहा वो बेहद शानदार कार्यकाल रहा अटल बिहारी वाजपेयी साहब का। वापस से प्रधानमंत्री बने, हालांकि एक पार्टी की सरकार नहीं बनी, ये गठबंधन के प्रधानमंत्री बने, गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री बने, और उस गठबंधन का नाम था एनडीए। एनडीए का मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन, जनतांत्रिक या प्रजातांत्रिक गठबंधन, प्रजातांत्रिक गठबंधन। तो
एनडीए के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल संघर्ष हुआ और उस कारगिल संघर्ष में हमारे भारतीय सेना के जाबाज सिपाहियों के द्वारा, जाबाज रियल हीरोज के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाकर, यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के पूछा जा सकता है, ऑपरेशन विजय चलाकर कारगिल संघर्ष को भारत के फेवर में किया गया। 25 दिसंबर जो इनका जन्मदिवस आता है, 25 दिसंबर 2000 को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ कर दी गई दोस्तों, जो भारत का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा। गांव गांव ढाणे ढाणे को सड़कों से जोड़ दिया गया दोस्तों। वो कौन सी योजना? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। और इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45 और भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएं। दोस्तों जब 2004 में जब चुनाव हुए तो सबको उम्मीद थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी की वापस से सरकार बनेगी। उस वक्त इंडिया साइनिंग का नारा दिया गया कि एक बार वापस अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए, हिंदुस्तान को चमका के रख दिया जाएगा। लेकिन शायद हिंदुस्तान की जनता के मन में कुछ और ही बात थी। हिंदुस्तान की जनता मन बना चुकी थी कि अब प्रधानमंत्री बदला जाएगा। दोस्तों 2004 में जब लोकसभा के रिजल्ट आए, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए, तो ना भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, ना एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में थी और ना ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में थी। लेकिन यूपीए गठबंधन की सरकार बनी। यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूपीए की सरकार बनी और जहां लोग सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री बनेगी सोनिया गांधी, लेकिन सोनिया गांधी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। दोस्तों जैसे ही लगा कि शायद सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेगी, तो उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस ने उनकी विदेशी महिला होने का प्रश्न उठाया। हमारी दिवंगत माननीय पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी यह मामला उठाया और उन्होंने कहा कि अगर सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती है तो मैं अपने बाल मुंडवा लूंगी और साथ में संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगी। जब मीडिया ने पूछा कि मैडम ऐसा क्यों, तो सुषमा स्वराज जी ने कहा कि वो एक विदेशी महिला है, एक ऐसी महिला जिसने लगभग 16-17 साल तक हिंदुस्तान की नागरिकता ही ग्रहण नहीं की, और अगर वो प्रधानमंत्री बन गई तो मुझे उन्हें माननीय प्रधानमंत्री कहकर संबोधित करना पड़ेगा, जो मेरे सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। तमाम सारी बातें, बहुत सारी इस बात की पॉलिटिकल इश्यूज बनते रहते हैं। चलिए हमें उन सारी चीजों पर नहीं जाना, हमें केवल फैक्ट्स को फोकस करना है। तो फाइनली यूपीए गठबंधन की सरकार बनी और प्रधानमंत्री सोनिया गांधी ना बनकर प्रधानमंत्री बनाया गया देश के एक महान अर्थशास्त्री को, देश के एक फेमस इकोनॉमिस्ट को, देश के ऐसे व्यक्ति को जिसे अर्थव्यवस्था के मामले में एक लंबा अनुभव रहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे, पीवी नरसिंह राव सरकार के समय देश के वित्त मंत्री भी रहे, जिन्होंने अपने आर्थिक सुधार की नीति के चलते भारत को वित्तीय आपातकाल की स्थिति में जाने से बचाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह।
जो 2004 से लेकर लगातार 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। लोग इन्हें कम बोलने वाला प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन कम बोलते हुए भी इन्होंने जो हिंदुस्तान के लिए किया वो वाकई में आज आप लोग महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, आर्थिक सुधार, आर्थिक विकास दर, तमाम बातें आज आप लोग महसूस कर रहे हैं। क्या महत्वपूर्ण प्रावधान रहे इनके कार्यकाल को लेकर, उनको लेकर अगर अपन चर्चा करें तो ये यूपीए गठबंधन के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने से पहले आरबीआई के गवर्नर रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। आप लोग जानकारी बताना चाहूंगा कि 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी उनके कार्यकाल में, जिसे 1 जनवरी 2015 से हम लोग नीति आयोग के नाम में जानते हैं। जब नरेंद्र मोदी के बारे में बात करूंगा मैं, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में जब बात करूंगा मैं, तो उस वक्त बताऊंगा कि उसे नीति आयोग बना दिया गया। तो इस योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, प्रधानमंत्री बनते ही 2005 में विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना को लागू किया, नरेगा, जिसे आजकल आप लोग मैं नरेगा के नाम से जानते हो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में ही सूचना का अधिकार अधिनियम अस्तित्व में आया, 2005 में ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में विकास के लिए NRHM राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को लागू किया गया, 2007 में in 2007 वेट लागू किया गया, वैल्यू एडेड टैक्स, 2007 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 123 एग्रीमेंट हुआ, वही 123 एग्रीमेंट जिसके द्वारा 1968 से लगे हुए बहुत सारे राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध भारत से हटा दिए गए। दोस्तों, पहला कार्यकाल बेहद शानदार रहा। जब चुनाव हुए 2009 में तो यूपीए की फिर सरकार बनी और 2004 के बजाय ज्यादा सीटें अब की बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली। दोबारा प्रधानमंत्री बने देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी का जादू चल चला था दोस्तों। 2010 में 2010 में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। ग्यारह में भारत श्रीलंका और बांग्लादेश की संयुक्त मेजबानी में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया, मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का। और दोस्तों, हिंदुस्तान के लिए बेहद गौरवशाली वर्ल्ड कप रहा ये, क्योंकि 28 साल बाद, आफ्टर 28 ईयर्स, क्योंकि 28 साल पहले 1983 में लॉर्ड्स में कपिल देव के द्वारा हिंदुस्तान का तिरंगा फहराया गया था क्रिकेट की दुनिया में। 1983 में लॉर्ड्स में भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में। और 28 साल बाद 2011 में 2 अप्रैल 2011 को वही करिश्मा कर दिखाया भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, और 28 साल बाद दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता भारत ने। दोस्तों, उसके बाद दौर था मनमोहन सिंह सरकार पर लगने वाले अनेक प्रकार के घोटालों के इंजाम, जिसमें तत्कालीन CAG विनोद राय, तत्कालीन जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक थे विनोद राय, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और उसमें कहा गया कि जो 2G स्पेक्ट्रम के जो लाइसेंस जारी किए गए
आजकल आप लोग तो 4G 5G के जमाने में हो, उस वक्त 2G हुआ करता था। तो 2G स्पेक्ट्रम, जी का मतलब जनरेशन, 2G स्पेक्ट्रम के जो लाइसेंस जारी किए गए, जिन कंपनियों को जारी किए गए, उस वजह से देश को लगभग 1,72,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और लोग मान बैठे कि इतना घोटाला डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने कर दिया। कॉल ब्लॉक आवंटन के घोटालों के आरोप लगे, कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटालों के लेकर आरोप लगे। सुरेश कलमाड़ी उस वक्त आईओए के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन पर आरोप लगे, वो गिरफ्तार भी हुए। 2G स्पेक्ट्रम मामले में तत्कालीन जो टेलीक्यू मिनिस्टर थे ए राजा और कन्नी मोजी, उनको भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि वो बात अलग है कि अभी कुछ ही समय पहले नरेंद्र मोदी सरकार के समय उनको बाइज्जत बरी किया गया है। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब दोस्तों 2014 अगली लोकसभा के चुनाव, ये बात तो तय थी कि शायद अब की बार वापस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी, यूपीए सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन विपक्ष में भी ऐसा कोई स्पेसिफिक मादा नहीं रखती थी, क्योंकि विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी में उस वक्त प्रधानमंत्री के 3-4-5 उम्मीदवार हुआ करते थे, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, 4-5 लोग प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुआ करते थे। लेकिन बीच में ही एंट्री मारी गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और अपनी भाषण, अपनी ताबड़तोड़ रैलियों और एक शानदार मैनिफेस्टो के साथ देश में नई उम्मीद, नए जोश के साथ, नई उमंगों के साथ, एक वादे के साथ चुनाव लड़ा। और जब चुनाव का रिजल्ट आया तो ये तो तय था कि शायद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन यह नहीं पता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल 44 सीटों पर सिमट जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उन चुनावों में केवल 44 सीटें मिली, विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार में आई, अकेली भारतीय जनता पार्टी को 283 सीटें मिली, और जो गठबंधन था एनडीए का उसको 300 से ज्यादा सीटें मिली। दोस्तों देश के प्रधानमंत्री बने, स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जन्म उनका 1950 में हुआ। तो स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनकी जो मुस्कुराहट है वो साफ बहुत कुछ कह रही है। देश को बहुत उम्मीदें थी इनसे, पूरा देश केवल एक ही व्यक्ति की ओर देख रहा था, और वो हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दोस्तों जैसे ही प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती का दिन है 2014 को, पहली एक बड़ी योजना का शुभारंभ किया, जिसे आप लोग जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान दोस्तों 3 अक्टूबर 2014 को ऑल इंडिया रेडियो पर एक कार्यक्रम शुरू किया, मन की बात। मन की बात 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना की गई 2015 में ही। भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया, जिसे सोवे संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के नाम से आप लोग जानते हैं दोस्तों,
और इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 111 जो एनक्लेव्स थे, जो बांग्लादेश के थे, उन पर भारत का कब्जा था, उनको बांग्लादेश को लौटा दिया गया तथा 51 जो एनक्लेव्स थे जो बांग्लादेश के अधीन थे भारत के, उनको बांग्लादेश के द्वारा वापस भारत को लौटा दिया गया। दोस्तों 2015 में ही जो 26 नवंबर का दिन है, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। तो इस 26 नवंबर को हम लोग तब से लेकर 2015 तक विधि दिवस के रूप में मनाते आए थे, विधि दिवस के रूप में मनाते आए थे। दोस्तों 2015 से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संविधान दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया, कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्वेश्चन आ सकता है सीधा संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों क्लियर, और महत्वपूर्ण बातें, 1 मई 2016, जगह है बलिया, कहां पड़ती है? उत्तर प्रदेश में। 1 मई 2016 से बलिया उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए एलपीजी कनेक्शन से संबंधित एक योजना लागू की गई, जो भारतीय स्तर पर एक बहुत बड़ी योजना दोस्तों, जिसे उज्ज्वला योजना के नाम से जानते हैं। तो उज्ज्वला योजना कब लागू की गई? 1 मई 2016 से। कहां से? बलिया उत्तर प्रदेश से। अब दोस्तों इस संदर्भ में मैं अगर और बात करूं आप लोगों से, तो इसी 2016 में पठानकोट व उरी, पठानकोट पंजाब, उरी आपका जम्मू कश्मीर, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया आतंकवादी संगठनों के द्वारा, जिसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में भारतीय सेना के द्वारा 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक से मतलब है कि सेना का एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन, ऐसा गुप्त अभियान, जिसके द्वारा दिए गए टास्क को, दिए गए कार्य को निश्चित समय अवधि में दुश्मन की सीमा में घुसकर अपने काम को पूर्ण करके बिना किसी कैजुअलिटी के वापस अपनी सीमा में सुरक्षित लौटाना क्या कहलाता है? सर्जिकल स्ट्राइक कहलाता है। दोस्तों इसी 2016 में 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा नोटबंदी की गई, डीमोनेटाइजेशन किया गया, विमुद्रीकरण किया गया 8 नवंबर 2016 को। 2017 के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो 1 जुलाई 2017 से भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ और इस 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी का मतलब गब्बर सिंह टैक्स नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी लागू किया गया। दोस्तों अब आगे के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो 2018 में भारतीय संविधान में एक और संशोधन हुआ और वो था 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। इस 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा ओबीसी जो आयोग था, अन्य पिछड़ा वर्ग जो आयोग था, उसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। दोस्तों संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्लियर। अब बात करें अपन 2019 की, 2019 की। दोस्तों 2019 में 12 जनवरी
2019 को तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति, वर्तमान भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब के द्वारा एक संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर किए गए और वो संविधान संशोधन अधिनियम था 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो 14 जनवरी 2019 को लागू हुआ। और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 भारतीय संविधान में दो जगह जोड़ा गया दोस्तों, अनुच्छेद 15 में सब क्लोज 6 जोड़ा गया और अनुच्छेद 16 में सब क्लोज 6 जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 के 6 की अगर मैं बात करूं तो शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के समय आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसके लिए 10% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। वहीं 16 के सब क्लोज 6 में सरकारी नौकरियों में 10% स्थान EWS के लिए आरक्षित कर दिए गए दोस्तों। अब इसके बाद के संदर्भ की अगर मैं बात करूं तो ठीक एक महीने बाद 14 फरवरी 2019 जब पूरा विश्व वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहा था, उसी 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के द्वारा एक खून की होली खेली गई और घात लगाकर हमला किया गया भारत की CRPF के एक काफिले पर। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जगह पुलवामा, नहीं भूलता देश ऐसे आघातों को, पुलवामा जम्मू कश्मीर। और CRPF के एक चलते हुए काफिले में एक बस में एक स्कॉर्पियो आकर टकराई जिसमें RDX भरा हुआ था और उस RDX ने CRPF के इस भारत मां के, इस भारत देश के 43 जवानों को शहीद कर दिया। उन शहीदों को हम दिल से, दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं दोस्तों। और इस घटना के ठीक कुछ समय बाद, 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 स्थान बालाकोट, गाना सुना होगा आप लोगों ने, अक्षय कुमार वाला बाला बाला, वह बाला बाला नहीं, ये जगह है बालाकोट पाकिस्तान में। और इस बालाकोट पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट्स के द्वारा, फाइटर पायलट्स के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई। और जो जैसे मोहम्मद के जो टेररिज्म ट्रेनिंग सेंटर थे उनको ध्वस्त किया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा। उसी एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना के एक जाबाज वीर सपूत, एक ऐसे योद्धा जिनके नाम से ही आज का हर यूथ मोटिवेट होता है, हर युवा प्रोत्साहित होता है और हर व्यक्ति सोचता है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में एक टाइम, एक समय, एक मौका ऐसा आना चाहिए कि जिस मौके में वो ये साबित कर सके कि हिंदुस्तान के जो जाबाज सिपाही हैं उनका मुकाबला पूरे विश्व जहान में नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इसी बालाकोट के जो एयर स्ट्राइक का जो मामला था उसमें फाइटर पायलट रहे MiG-21 के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की। आप लोगों ने पूरी कहानियां वो पढ़ी होंगी, केवल यहां पर अपन फैक्ट की बात करेंगे। विमान का नाम MiG-21, इस MiG-21 से दोस्तों अभिनंदन वर्तमान ने पाकिस्तान के संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित F-16 विमान का पीछा किया, इसे डिस्ट्रॉय किया, लेकिन खुद MiG-21 भी दुर्घटनाग्रस्त होकर पाकिस्तान में जा गिरा। पाकिस्तान की सेना के द्वारा अभिनंदन वर्तमान को अरेस्ट कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। लेकिन भारत के एक शानदार पॉलिटिकल स्टंट, नरेंद्र मोदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय छवि
और हिंदुस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शानदार दबदबे के चलते पाकिस्तान को वापस रिलीज करना पड़ा अभिनंदन वर्तमान को, और वो भारत की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत दर्ज हुई। इसके बाद की अगर अपन बात करें दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल की, तो नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा और इस मामले में फिर अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों के भी, कौन से सम्मान से नवाजा गया? वीर चक्र से। उसके बाद की अगर मैं बात करूं 22 जुलाई 2019 मिशन चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण। अक्सर उस वक्त सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी चले थे कि श्रावण का पहला सोमवार था और इस दिन क्या हुआ, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण। इसके ठीक 7 दिन बाद अगले सोमवार को 29 जुलाई 2019 को जो 3 तलाक कानून था उसे समाप्त कर दिया गया, ट्रिपल तलाक के रूप में आप लोग जानते हैं। और दोस्तों इसके ठीक 7 दिन बाद 5 अगस्त 2019 को वह कर दिखाया मोदी सरकार ने जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। पिछले 70 सालों से जो एक मामला पेंडिंग पड़ा था उस मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर को एक विशिष्ट राज्य का दर्जा प्रदान करता है। हमारे माननीय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब के द्वारा एक आदेश निकाला गया और उस आदेश के द्वारा 370 का एक क्लोज जो कै क्लोज है उसको छोड़कर शेष पूरे अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया, 35(1) को समाप्त कर दिया गया। 370 के सब क्लोज कै में क्या है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा। और दोस्तों सोशल मीडिया पे कई सारे मैसेज उस वक्त वायरल हुए कि पहले सोमवार को चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण, दूसरे सोमवार को ट्रिपल तलाक, तीसरे सोमवार को जम्मू कश्मीर वाला मामला सॉर्ट आउट, अब चौथे सोमवार को क्या करने वाले नरेंद्र मोदी जी। बैक टू बैक मैसेजेस आने लगे कि जो पिछला कार्यकाल था नरेंद्र मोदी जी का 2014 वाला, उस 2014 वाले में मां गंगा ने बुलाया था तो बिल्कुल शांत थे, अब की बार दूसरे कार्यकाल में केदारनाथ के दर्शन करके आए तो शिव है वो भंगड़ा करने वाले हैं। दोस्तों 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो नरेंद्र मोदी सरकार को पिछली बार के बजाय भी ज्यादा सीटें प्राप्त हुई, 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और अंतिम फैक्ट नरेंद्र मोदी सरकार के रेलेवेंट मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा, भारतीय संविधान में एक और संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इस 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 330 और 332 में जो प्रावधान है जिसके अंतर्गत क्रमशः लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में जो एससी और एसटी को आरक्षण प्राप्त है उस अवधि को और 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 10 वर्ष का मतलब है 25 जनवरी 2030 तक। दोस्तों 2020 की अगर मैं बात करूं, अभी 2020 की अगर मैं बात करूं तो मार्च से ही पूरा का पूरा जो विश्व समुदाय है वो कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी समय रहते नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लॉकडाउन के निर्णय लिए गए जिसके चलते जब संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली जैसे देश पूरी तरह से इस महामारी में त्रस्त थे उस वक्त हिंदुस्तान में लॉकडाउन करके एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और जो एक विकट परिस्थितियां निर्मित होने वाली थी उन विकट परिस्थितियों से बचाया गया। ये आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का टॉपिक दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन मैंने साझा की वो बेहद महत्वपूर्ण रहेगी आप लोगों के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।